मर गया रे, मर रालो मर गया रे, मर गया मर इंस्पेक्टर मोहिते। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। FIR पंचनामा हो गया? यस सर। कोई खास बात? सर, कत्ल किस हथियार से हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला। Any witness, any clue? No, sir. Sure? Yes, sir. से किया गया है। ये हरकत किसी इंसान की नहीं, दरिंदे की नजर आती है। पूजा, आप ये राणा अंकल की बेटी पूजा है। कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? मैं और विकी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने गए थे। जब पार्टी से घर लौटे तो पापा को दरवाजे पे ही चीखते चिल्लाते सुना। फिर जब अंदर आकर देखा तो पापा ने मेरी बूजी को हॉकी स्टिक से मार डाला था। ये बूजी कौन है? मेरी बिल्ली। I see. जी, मैं पूजा का मंगेतर विकी हूँ और राणा अंकल मेरे डैडी के बिजनेस पार्टनर थे। आपके डैडी? जी, मेरे डैडी मिस्टर निर्मल गुप्ता। मिस्टर निर्मल गुप्ता? जी हाँ। तो मिस्टर राणा आपके बिजनेस पार्टनर थे? जी हाँ, मैं राणा और खन्ना हम तीनों दया सागर एक्टर पाई जिसके डायरेक्टर है। यानी कि बिजनेस एक और पार्टनर्स थी। मिस्टर खन्ना, आपको किसी पर शक है? शक? और कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर? वो हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं, ना हमारा कोई दुश्मन है ना हम किसी के दुश्मन है। ओए, राणा तो हमारा सिर्फ पार्टनर ही नहीं, फैमिली मेंबर था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दायां हाथ काट दिया हो। मिस्टर खन्ना, हर लखपति करोड़पति बनने के सपने देखता है। एक बार दौलत का चश्मा अगर चढ़ जाए तो इंसानियत, दोस्ती, यारी सब धुंधली सी नजर आने लगती है। इंस्पेक्टर, अब मुझ पर शक करना तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। और तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारी इस हरकत पे मैं इज्जत तक का दावा कर सकता हूं। मिस्टर खन्ना, आप तो बेकार की गर्मी खा रहे हैं। मैं आपकी इज्जत पर कहां दाग लगा रहा हूं? मैं तो दाग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इंस्पेक्टर मोहिते, लाश को ले जाओ। कल शाम तक मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए।
हेलो इंस्पेक्टर सिद्धांत। हेलो डॉक्टर खान। राणा जायसवाल एक शरीफ शहरी था, उसका इतनी बेदर्दी से पति बात कुछ समझ नहीं आई। हाँ डॉक्टर साहब, केस बहुत ही उलझा हुआ है, ना कत्ल की कोई वजह मालूम हो सकी, ना ही कातिल का कुछ पता। हाँ, आपकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कुछ हेल्प जरूर मिल सकती है। तुम फिक्र मत करो सिद्धांत, मैं जितनी जल्दी हो सके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर भी कितना वक्त लग जाएगा? कल शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। स्कैल्पल, सिज़र्स। Oh my God. Sedan. How are you this morning? I'm fine. Thank you. मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आज बड़े खास काम से आए। राणा जायसवाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? हाँ, रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन मौत की वजह सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। ऐसी क्या वजह है डॉक्टर? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मेडिकल साइंस में यह पहला केस है जिसे आंखों से देख कर भी दिल को यकीन नहीं आता। आपके कहने का मतलब क्या है? मकतूल के सर पर न तो कोई जख्म था न कोई खराश। अच्छा। लेकिन हैरत की बात यह है कि पोस्टमार्टम के दौरान उसके सर से बिल्ली का पंजा निकला। What? बिल्ली का पंजा? यह हकीकत है सिद्धांत। डॉक्टर हेमंत भट्ट ने अपने हाथों से राणा के दिमाग से बिल्ली का पंजा निकाला और यही उसकी मौत की वजह है।
मैं कत्ल कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, अगर किसी ने मेरे पे शक किया ना या झूठा इल्जाम लगाया, कर सकता हूँ मैं उसका। क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, या तो हम दोस्तों की बातें हैं, वो कुछ नहीं होया बेटा, तू जा जा जा। बात करता है। अरे इतनी रात गए, मारो दरवाजा, कौन खटखटा में रोना शो उतार दियो भाई। अरे कौन सो प्लेन छूटने वालों है जो भाई आप दरवाजा खटखट करे। अरे क्या ठोक ठोक करे, आओ। अरे कौन है?